राहुल गांधी का जो मुद्दा रहता है वो कभी भी किसी धर्म के ऊपर नहीं रहता है, उनका जो मुद्दा रहता है वो रोजगार पे रहता है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, कि कैसे क्या देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन ये भाई धर्म में लगा देते हैं लोग जो हमारे परेशान को हल करे, काम करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये नहीं बीजेपी कांग्रेस या आम पार्टी, जो भी काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। पानी की जो पाइपलाइन है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप है, जब पानी सरकारी आता है तो इसमें भी सीवर लाइन मिलकर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं नसीब खान लेकर आया हूं प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। आज मैं पहुंचा हूं तुगलकाबाद में, जहां पर मैंने जनता से जाना, जनता की राय जानी और पूछा कि किसकी बनेगी सरकार, किसको करेंगे वोट। सबसे पहले हुआ शिक्षा, फिर उसके बाद में आवागमन, आवागमन का रास्ता, और दूसरी चीज़ है कि समाज का शांति चाहिए, शांति से सुख हो। तो यहाँ तो भाई लड़के लोग आते हैं सीखा के, ये बात कहूँगा तो किसी का मैं बागी बनूँगा। मुद्दे बहुत होते हैं, हर किसी के मुद्दे हैं, और हम पूछेंगे आप कुछ बताना चाहेंगे दिल्ली के बारे में कि अभी समस्याएं चल रही हैं दिल्ली में, आप आगे आ जाइए थोड़ा इधर बराबर माजी बाबा के। मेरा नाम रमेश सिंह हुआ। तो क्या क्या समस्याएं हैं अभी, इलेक्शन का नज़दीक है, गली मोहल्ले में हर जगह हम जायज़ा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो पहले तो काम का समस्या सर, जो काम था बेरोजगारी अब है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। लोग जहाँ आज से 8 साल पहले हम 5-6 हज़ार में धागा काटते थे, वो आज दे रहे हैं लोग, वो भी देते हैं तो संडे नहीं दूंगा, ओवर टाइम नहीं लग रहा है, लोग मजबूरी में कर रहे हैं, किराए पर रहते किराएदार मकान मालिक ये बोलते हैं कि भैया हमें टाइम पे चाहिए किराया, उधार खाते हैं हम, प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं, मेरा जो कमाते हैं वो खाते हैं, महीना दिन 2 महीना दिन काम किए कुछ हुआ हिसाब हो गया, बस यही सब समस्या है दिल्ली के अंदर। जो कंपनियाँ थी सब बाहर चले गए, अब दिल्ली में है कहाँ कंपनी सर। तो अभी आपको क्या चाहिए सरकार से, भाई सरकार ये हमें दे और हम चाहते हैं। सरकार से पूरा पब्लिक को क्या चाहिए, अच्छा चीज़ चाहिए, अच्छा रोज़गार चाहिए कि हम सही से कमाएं, मेहनत करते हैं तो उसका हिसाब से मजदूरी मुझे मिले। ओपिनियन होता है कि भाई ये सरकार अच्छा दे। अब ये तो किसी के माथे पे, देखिए हम बोलते हैं सही कि किसी पे लिखा नहीं कि कौन सरकार क्या देगा, बहुत सरकार आए बहुत सरकार गए, लोग यही कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करते हैं पब्लिक सब देख रहा है, हम क्या कर सकते हैं सर, वो सबके सामने है, विश्वास किस पे किया जाए। बस क्या लगता है आपको इलेक्शन में, अभी 25 तारीख को इलेक्शन है, क्या लगता है आपको किसकी बननी चाहिए? देखिए बननी चाहिए सरकार किसकी, अगर कोई भी बने, हम ये कहने का मतलब कोई भी सरकार बने, दिल्ली हो कहीं भी हो, वो दिल्ली के वासियों को सही से देखे, सही से रोज़गार दे और सही तरीक़ा से रखे तो हमेशा ही रहेगा वो, मेरा कहने का मतलब यह है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ बस। और भी यहाँ दर्शक मौजूद हैं और हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, युवा से जानना चाहते हैं, समस्याएं बहुत होती है, आप यंग हो, क्या क्या परेशानी है आपको कुछ बताएंगे, क्या नाम है आपका? नहीं, रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन फाइनल है जी। तो क्या कर रहे हैं आगे? अभी तो ऐसी पार्ट टाइम जॉब। अच्छा, जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि जॉब तो करनी है, अब गवर्नमेंट में तो कुछ अब स्टेम जॉब निकल नहीं रही है, जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या बदलाव आपकी नज़र में होना चाहिए, कुछ आप अपनी ओपिनियन रखें? इस बार राहुल गांधी, राहुल गांधी मतलब गठबंधन वाली जो है, एक तरफ बहुत तगड़ा ज़बरदस्त दंगल है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी, गठबंधन और इंडिया कांग्रेस, और एक तरफ बीजेपी, तो आपको क्या लगता है? ये लोग तो कहते हैं कि अब की बार 400 पार। कुछ 400 पार नहीं है, हवा बना रखी है अभी इंडिया ने, बस आप जैसे भाई बंधु इनको फेमस कर रखे हैं कि 400 पार। हमने बयान लिए उनके, हमने वर्बली उनसे जाना जा करके, हमने जब पूछा अपने माइक में तो उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार। नहीं नहीं, कोई बोल गए वो भी 400 पार। अब तो मोदी जी खुद 400 पार नहीं बोल रहे, अब तो मोदी जी खुद ही 400 पार नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, कहते हैं 700 सीट लेकर आएंगे हम दिल्ली की, वो पहले पिछली बार आई थी, अमित शाह जी को देखा चेहरा उतर गया उनका, अब नहीं बोल रहे की 400 पार, अब बोलेंगे मेरी 400 पार। अब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वही रोजगार देगी। इंडिया गठबंधन को जनता, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जनता बोल रही है, ये संभव नहीं बुझाता। आप कुछ बोलेंगे? ये हमने बहुत जगह, हर गली हर मोहल्ले में, क्योंकि जो राहुल गांधी का जो मुद्दा रहता है वो कभी भी किसी धर्म के ऊपर नहीं रहता है, उनका जो मुद्दा रहता है वो रोजगार पे रहता है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, कि कैसे क्या देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन ये भाई धर्म में लगा देते हैं लोग को, तो ये सब ये जो राजनीति है वो जनता इस बार समझ चुकी है, क्योंकि ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं।
जनता समझ चुकी है, जनता बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुकी है कि इस बार जो भी करना है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म तो एक जीने का तरीका हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी और आपसी भाईचारा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस लगता है आपको अगर बदलाव आता है तो आप किसको देखना चाहते हैं चेहरा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो युवाओं के लिए कुछ करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे और गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो उन्होंने MSP वगैरह निकाली है अभी, उनको जो मैनिफेस्टो आया था, तो वो गरीबों के लिए भी मदद करेंगे और युवाओं को रोज़गार भी देंगे। तो हमारी पहली पसंद राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए। आप देख रहे थे प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और मैं नसीब खान, और फिर अगला पड़ाव लेकर पहुँचता हूँ दिल्ली के दूसरे मोहल्ले में, दूसरी गली में। इस रोड की हालत दिखाते हैं आपको, ये पिछले 1-1.5 महीने से ये रोड बना हुआ था, और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ दुकानदारों को बहुत परेशानियाँ हुई थी, ये मार्केट में सब लोग बैठे हुए, इनकी दुकानें बंद हुई थी, और इस रोड का दोबारा से कोई भी इसमें RCC नहीं हुआ है, और आप देख रहे हैं खुदा हुआ किस कंडीशन में है, ये निकलना परेशानी है, निकलने की बहुत बड़ी परेशानी है, निकल नहीं पाती है जनता, ना ही कोई वाहन आ पाता है यहाँ सर। और हम पूछते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, जानना चाहते हैं दिल्ली की समस्याएँ हैं और इलेक्शन का नज़दीक है, हम जगह जगह गली गली हम पहुंच रहे हैं दिल्ली में, हम जायज़ा ले रहे हैं यहाँ पर लोगों को होने वाली परेशानियों का, कि इलेक्शन आए हैं नज़दीक, वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको कोई सॉल्व नहीं करता, कोई हल नहीं करता। सबका दुख दर्द जानने के लिए आज हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला दिल्ली में पहुँचे हैं, जानना चाहते हैं क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। शाकिर, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी इलेक्शन नज़दीक भी है, वोट होने वाला है, तो क्या आप वोट करते हैं? जी वोट देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वोट मतलब वोट हम दें किसको दें? वोट हम जो हमारे परेशान को हल करे, काम करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये नहीं BJP कांग्रेस या आम पार्टी, जो भी काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। बाकी यही चाहते हैं कि हमारा जो काम में रुका हुआ है जल्दी जल्दी हो जाए। ये रोड में देख रहा हूँ बहुत खस्ता हालत हो रही है काफ़ी समय से, आप बता रहे हैं कितने टाइम से रोड खुदा पड़ा है? ये से 1-1.5 महीना हो जाएगा खुदे हुए, अभी तो ये बना नहीं है, सीवर लाइन डली थी, सीवर लाइन भी 1-1.5-2 महीने में डल के निकली है, और उसके बाद से ऐसे खुदा हुआ है ये रोड, ऐसी खुदा हुआ है, इस पर कोई भी नहीं हुआ। जब ये सीवर पड़ी होगी 1-1.5 महीना, तो आपको तो दुकानें बंद करनी पड़ी होंगी अपनी? हाँ, पूरे 1 महीने दुकान बंद रही है हमारी, और जो भी काम में तो खैर दिक्कत हुई है सभी को, मुझे सबको, ये दुकानदार है, ये दुकानदार, सबको दिक्कत हुई है गली में, पूरे घरों में, तो यहाँ तो एक घर में तो चोर भी घुस गए थे जब गली खुदी थी, मट्टी पड़ी रहे, सीवर खुदे रहे। क्या लगता है आपको कि सरकार किसकी आनी चाहिए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जैसा कि मैंने कहा भी आपको कि कोई भी बने पर काम होना चाहिए, चाहे ये नहीं है हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में काम होना चाहिए, ये नहीं हमारे सिर्फ मोहल्ले में हो रहा हो, पूरे हिंदुस्तान में काम होना चाहिए, रोज़गार सबको मिलना चाहिए, काम ये चीज़ जैसे परेशानी है वो परेशानी हल हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी आए, काम में तो काम चाहिए। बाकी देख रहे हैं कि रोज़गार भी बहुत कम हो रखा है, इस टाइम पर काम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सबको काम मिले पूरे हिंदुस्तान में, सब आदमी बेरोज़गार ना रहे। जी बेरोज़गार ना रहे, हर किसी की जुबान पे यही है कि रोज़गार मिलना चाहिए। और ये आपको दिखाते हैं हम रोड, अभी आपको रोड दिखा रहे हैं कि रोड की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि पिछले 1 महीने से ये रोड, इसमें सीवर लाइन बिछी थी, सारी दुकानें बंद रही थी, और दुकानें बंद होने की वजह से यहाँ आवाजमी बंद हो गई, तो यहाँ एक घर में चोरी भी हो गई थी। और जानते हैं हम जनता से और पूछते हैं, हमने यहाँ आए और हमने जायज़ा लिया गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिल्ली में, हमारा एक आप देख रहे हैं प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, और हम दिल्ली की जब गलियों में पहुंचे तो हमने देखा ये रोड काफ़ी दिन से खुदा हुआ था, और यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हम जानते हैं क्या क्या दिक्कतें हुई आपको यहाँ पर। मार्च के लास्ट महीने से ही इस गली को सीवर के लिए तोड़ा गया था, लेकिन प्रशासन ने उसे तोड़कर कई महीनों तक इसे छोड़ दिया। उसके बाद जब दबाव बनाया गया तो ऑफिसर इंचार्ज ने इसकी सर्वेयर किया, सर्वे करने के बाद उन्होंने जो है अप्रैल के महीने में सीवर लाइन डाला, फिर उसके बाद कई दिनों तक मलबा पड़ा रहा, दुकानें शटर सारी क्लोज थी, सभी दुकानें के ऊपर लगभग आधा आधा मंजिल तक मलबा पड़ा था। प्रशासन कहता है जी ये मेरा कार्य नहीं है, MCD कहती मेरा कार्य नहीं है, जबकि निगम और जो राज्य स्तर पे जो सरकार है दोनों सेम है, आम आदमी की है। दोनों को बोला गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसके ऊपर विचार करेंगे। उसके बाद लोगों ने जो है अपने अपने अप्रोच लगा के उस मलबे को कैसे भी करके अपने तरीके से उठाया, वो भी संपूर्ण रूप से उठा नहीं है, लेकिन नतीजा ये है कि आज जो इन्होंने खुदाई डाली है पानी की जो पाइपलाइन है उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप है। जब पानी सरकारी आता है तो इसमें भी सीवर लाइन मिलकर आती है, उस पानी को आप अगर गलती से 10-15 मिनट आप चला रहे हैं, अगर उसे देखा नहीं तो आपकी टंकी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो सीवर का पानी चला गया। और ये जो धूल मिट्टी है रोज़ाना की है, क्योंकि व्यापारी का है, सुबह से शाम तक ये मध्य मार्ग से जुड़ी हुई आवाज़ आई है इसकी, लेकिन किसी भी MCD अधिकारी
मंत्री से लेके चाहे जिला स्तर का अधिकारी हो या अन्य जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, किसी के कान में जूनी रेंगती, क्योंकि उन तो अपने इलेक्शन की पड़ी है। इलेक्शन ठीक है, 25 तारीख को है इलेक्शन और खूब उसका प्रचार चल रहा है, लेकिन गली मोहल्ले को कोई आके नहीं, कोई आके देखने वाला नहीं है। बल्कि अभी जो लगातार जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए गलियों से निकलते हैं, अलग अलग दल के लोग निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी यहाँ के आम निवासी और जो दुकानदार हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। बल्कि हम लोग आते हैं 5-7 मिनट, अगर आप इन दुकानों में बैठें तो आपके बाल ऐसे लगेंगे जैसे कि आप बूढ़े हो चुके हैं, और क्या धूल क्या मिट्टी, और अगर ये बारिश हो जाए तो कैसे कैसे लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये तो समस्या जग जाहिर है। लेकिन अभी भी हमें नहीं लगता कि आने वाले 3 महीने तक भी इसका कोई निपटारा हो सकता है, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी, कौन आएगा वापस इसके अंदर, सही राम पहलवान जी आएंगे, अन्य कोई भी दल आएगा तो इसके पे विचार करा जाएगा नहीं। फिलहाल तहसकिनस यूं के यूं ही पड़ी है और ये समस्या लगभग 3 महीने से तो है, जग जाए। क्या लगता है आपको, इस बार बहुत कांटे की टक्कर है दिल्ली के अंदर, इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और एक तरफ बीजेपी, क्या लगता है ओपिनियन आप बताएंगे? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, जो जमीन और धरातल पर दे नज़र आ रही है, और ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं डेंट तो वो लगाएगी, पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ सीटों पर डेंट तो वो लगाएगी। जनता का बेरोजगारी भी मुद्दा है, और ये जो आम समस्याएं पानी की है, 4-5 दिन में पानी आता है और वो भी पानी एकदम सीवर लाइन मिक्स आता है, और भी ये महंगाई भी एक समस्या हो है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो या फिर हम आम खाने की ज़रूरत की सब्जियां हैं, चावल है, तेल है, तो समस्याएं तो कहीं ना कहीं है। क्या लगता है अगर सरकार बदली, बदलाव होने के बाद अगर सरकार बदलती है तो क्या कुछ लगता है ऐसा हमें राहत मिलेगी जनता? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सरकार आगे आएगी उसने देखा है इस महंगाई बेरोजगारी को, चाहे वो युवा वर्ग है, बुजुर्ग हैं, बहुत सारों को जो सुविधाएँ पहले थी वो भी ख़त्म है, और जो महंगाइयाँ हैं कोविड के बाद बहुत से लोगों के पास काम का जिस तरह से है नहीं पारिवारिक दृष्टि से, तो अगर सरकार राहत देगी तो आगे की कंटिन्यू करेगी, नहीं तो फिर उसका भी तख्ता पलट होगा। अगर बदलाव आता है तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए अभी तो इंडिया गठबंधन की ओर से कोई भी एक चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि जो केजरीवाल है वो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत मजबूत है इस गठबंधन के अंदर, और अपने विभाग में उसे अच्छा तजुर्बा है, तो मेरे हिसाब से मैं तो सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल ही जो है देश को लीड करें और आगे चलाएं। और मौजूद है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र सर। सर क्या लगता है आपको 2024 के इस इलेक्शन में सर केजरीवाल जाएंगे? तो आप ये देख रहे हैं, हम यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले, हमने दिल्ली में हर जगह जायजा ले रहे हैं, अभी हमारी कैंपेन चल रही है जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का, तो हम देख रहे हैं यहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि बरसात में अभी हम बात कर रहे थे कि अगर बारिश हो गई तो हाल क्या होंगे, धूल मिट्टी बता रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि आपने सर पाउडर डाला हुआ है। सर यहाँ पे अगर आप 2 मिनट दर्जा खोल दो ना तो आपको उसमें इतनी मिट्टी आ जाएगी, जब आप साफ करते हो बार बार, हम अपने ऑफिस में गेट खोलते हैं दिन में 20 बार कपड़ा मारते हैं लेवल पर, हम खुद इतनी मिट्टी है, बारिश हो जाए तो ऐसा हो जाएगा कि लोग फिसलेंगे यहाँ पर। जो बिहारी लोग हैं इनकी दुकानें लगभग 1 महीना बंद रही हैं, ये कह रहे थे सुनने में आया था 1 महीना दुकान बंद रही है, तो क्या इसमें आपको नुकसान हुए, क्या सर नुकसान क्यों नहीं हुए, सबका काम धंधा बंद हो गया, खाने पीने की दिक्कत हो गई, और यहाँ पे क्या यहाँ पे मलबा गिर दिया, मलबा गिर दिया, मलबा उठवाने के रोज़ बोलना पड़ता है, अभी आप देख रहे हो गली का हाल, कहीं गड्ढा कहीं वो, अगर अभी यहाँ कोई गाड़ी आ जाए भारी तो भी हट जाएगा सारा, तो इसलिए तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, इसमें तो उसकी मोनिया जी की कमी है कि जब सीवर पड़ गए तो रोड बनवाना चाहिए था साथ साथ, ये कह रहे रोड भी नहीं बनेगा, पाइपलाइन आएगी सोनिया भाई की, वो कब आएगी, कब गैस की आएगी कुछ पता नहीं, तो उनको अपना रोड बनवाना चाहिए, बाद में फिर कुछ जाएगा। यहाँ की समस्याएं हम जनता से रूबरू हो रहे हैं, और हमारा आप देख रहे हैं प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, हमने गली गली मोहल्ला मोहल्ला दिल्ली की हर गली हर मोहल्ले में हम जा जाकर ओपिनियन लोगों की जान रहे हैं कि क्या चाहती है सरकार, वो क्या चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। या अभी हमने जाना ओपिनियन में कि देख रहे हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी की ज़बरदस्त टक्कर है, और जानते हैं क्या नाम है सर? हमारा नाम महेंद्र सिंह है। सर अभी इलेक्शन है, बहुत नज़दीक है, और आप यहाँ एक व्यापारी हैं, आपके देखा हमने रोड की हालत देखी है, क्या लगता है आपको? ऐसे है कि अभी 1.5-2 महीने से रोड बना हुआ है, इतनी इसमें मतलब ये है कि तकलीफ हो रही लोगों को आने जाने में भी, कि मतलब कई लोग गिर जाते हैं, तो इनको हमने कई बार बोला भी है, वो हमें कह देते हैं अभी मिट्टी बैठने तो उसके बाद करेंगे, पर यह नहीं कि मिट्टी 2 महीने से मिट्टी बैठ गई है, अभी कोई कर ही नहीं रहा है, इसलिए मतलब हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी आए कम से कम सड़क रोड अच्छे बनने चाहिए, लोगों को पानी की बहुत तंगी, इधर पानी मिलता नहीं है। अभी सुना था, बता रहे थे कि पानी में ऐसा आता है गंदगी, सीवर का पानी मिलके आता है कि आप देखेंगे पीने योग्य तो है ही नहीं, और वो बदबूदार पानी। हाँ यही बात हो रही है।
के हाथ में, दावेदार तो हर बंदा के हमें हम ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन तो सामने चीज आएगी बाद में पता चलेगा कि 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा भाई कौन कितना मतलब दावेदार इसका है, वो समय बताएगा है। समय बताएगा 25 मई को, अब बहुत नज़दीक है ये वक्त बताएगा और जनता तय करेगी कि किसको बनाना चाहती है प्रधानमंत्री, कौन देगा रोजगार, कौन देगा बेरोजगारी से और सारे समस्याओं का समाधान। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम उषा। ये बताइए, अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक है, क्या लगता है आपको, सरकार बदलनी चाहिए या जो मुद्दे हैं बहुत सारे जनता के बीच तो उनको क्या परेशानी है? ऐसा है जी, जनता के बीच मुद्दे हैं एक तो बेरोजगारी, एक रोड वगैरह और एक पानी, मेन मुद्दे तो यही हैं। हाँ, तो अभी मौजूदा सरकार बीजेपी है। हाँ जी, तो क्या लगता है आपको कि किसको किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन बनना चाहिए? मोदी। तो उसके बारे में बताइए, मोदी जी ने क्या अच्छे काम किए? मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए, पूरी यूपी सुधार दी है। अगर दिल्ली में ही मोदी का ही कोई अगर कैंडिडेट बैठ जाए सीएम बनके, तो ये दिल्ली में भी सुधार हो जाएगा, यहाँ भी बहुत सुधार हो जाएगा। केजरीवाल को हटना चाहिए, केजरीवाल को सीट पे नहीं होना चाहिए, वो आदमी अच्छा नहीं है। जैसे क्या? कोई भी काम नहीं किया, जैसे कि शराब घोटाला उसने किया, अपना इतना बढ़िया शीश महल बना के बैठ गया लोगों की गरीबी से, उसे आप घोटाले में तो क्लियर कर दिया उन्होंने, ईडी को दे दिया कि बीजेपी के खाते में पैसा गया है। 2 जून को पता चलेगा जब वो दोबारा जाएगा कि किसके खाते में गया और क्या हुआ है, ये 2 जून को पता चलेगा। तो बीजेपी बीजेपी इतना लगता है, एक तरफ गठबंधन है इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी, एक तरफ बीजेपी है, क्या लगता है आपको कितनी सीटों में से कितनी 7 सीटों में से कितनी सीटें आ सकती? बीजेपी की उम्मीद तो पूरी पूरी है और आगे देखो जनता का क्या माहौल बनता है, क्या करती है जनता, वो जनता फैसला है। आप कुछ बोलेंगे? जनता के हाथ में फैसला है, बीजेपी की पूरी उम्मीद है, हमने जाना। अभी हम और पूछते हैं और दूसरे मोहल्ले चलते हैं, दूसरी गली में चलते हैं, लोगों का दर्द समझने के लिए, पूछने के लिए। देखते रहिए प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का।